माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि पुरानी जंगों में जो यूज़ होते थे, पुराने ज़माने की जो लाइट होती हैं वो अभी तक उन्होंने ऊपर लगाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहब्बतीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। प्रोग्राम ये है कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ मनामा में। मनामा बहरीन का कैपिटल है। तो ये बहरीन गेट बना था, इसको अरबी में कहते हैं बाबुल बहरीन। और आज हम यहाँ पे जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसा है अंदर से और कैसी इन्होंने हिस्ट्री अभी तक बनाई हुई है। तो जब भी आप स्टॉप पे खड़े हों ये दुआएं, जब तक ये ग्रीन नहीं होता आप नहीं जा सकते। यहाँ से ग्रीन हो गया और हम जा रहे हैं। अब हर गाड़ी यहाँ पे खड़ी होगी, जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी नहीं होगी उसको मुहालफा होगा। और मुहालफा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फाइन जिसको बोलते हैं हम अरबी, मुहालफा बोलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं जी बाबुल बहरीन के अंदर, यानी गेट ऑफ बहरीन के अंदर। और ये बहुत पुराना है मनामा में और खूबसूरत लग रहा है देखने। देखते हैं अंदर क्या होता है। तो बॉस ये है दरवाज़ा और यहाँ पे बाहर टैक्सीज वगैरह खड़ी हैं। और ये बहरीन का जो है वो बैज है। और वाह, ये ऊपर डेट लिखी हुई है जब ये बना था और कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। और ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए हैं देखने के लिए। ये देखो पुराना पुलिस स्टेशन भी सामने जो है वो नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। और ये बहुत खूबसूरत जो है वो चीज़ देखो, शॉप्स जो हैं उन्होंने पुराने ट्रेडिशनल तरीके से बनाई हुई हैं, और लेकिन हैं वो नई लेकिन पुराने तरीके से बनाई हुई हैं माशाल्लाह से। ये बाज़ार है जी और ये पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन की गाड़ी है। ये सब चीज़ें जो हैं वो ट्रेडिशनल हैं। वाओ, हम देखते हैं इसको माशाल्लाह। अरबी जो हैं वो झूमर हैं। और ये केतलियाँ देख रहे हैं आप, प्रोफेशनल किस्म की हैं। ये सारे डेकोरेशन पीस हैं। ये अरबी असल में जो है वो हुक्के शुक्के के शौकीन होते हैं, तो वो सारा इनका सिस्टम है। इस ये शतरंज पड़ी हुई है, 18 दिनार की है ये। ये पाकिस्तानी तकरीबन 5000 बनता है। तो ये प्यारी है वैसे। और इस तरफ अगर आप आए तो वाओ, असल में अरब में जो होता है वो तलवार बड़ी एक अहमियत की आमल होती है, तो ये उसके सारी सिंदरी बनी हुई है। सलाम। ये पूरा उन्होंने ये बाजार जो है पूरा ट्रेडिशनल बनाया हुआ है। ये देखो अगर आप इसको देखते हो तो ये अरबी औरत बनी है, ये मर्द बना हुआ है साथ। ये बेसिकली नमक वगैरह जो है वो छिड़कने के लिए होता है। तो हर चीज़ में इन्होंने जो है वो देखें, ये है जी कैमल बनाया हुआ है 10 दिनार का ही माशाल्लाह से। और वाओ, ये आप देख सकते हैं कि पुरानी जंगों में जो यूज़ होते थे, तो माशाल्लाह ये अभी तक उन्होंने वह कैसे जो है वो बना के रखे हुए हैं। वाओ, ये भाई बहुत सा एक खूबसूरत सा एक नमूना है जो बना के यहाँ पे रखा हुआ है। ये मोतियों से बना हुआ है और ये इस बाज़ार की खूबसूरती को जो है वो इजाफा कर रहा है। ये इस तरफ आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी खूबसूरत किस्म की। और जब पहले दौर में यहाँ पे ऐसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो था वो चलता था, तो ये वही आलात है अभी तक इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। और काफ़ी खूबसूरती का इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। और इस तरफ जो है ये अरेबिक
मजलिस होती है उसके लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो ये हैं। और काफ़ी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं और लकड़ी का काम बहुत अच्छा है यहाँ पे हुआ है। अरेबिक, पूरा अरेबिक सिस्टम है। ये आप देख सकते हैं इन्होंने हर किस्म की ट्रेडिशनल का ख्याल रखा है और अपनी जो रवायात हैं उसका ख्याल रखा हुआ है। या ऊपर देख सकते हैं कि कैसे पुराने ज़माने की जो लाइट होती हैं वो अभी तक उन्होंने ऊपर लगाई हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है वो डेकोरेशन पीस हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको अंदर से दिखाऊँ। माशाल्लाह, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वाह, माशाल्लाह। सलाम, हाउ आर यू? और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये फनूस ऊपर आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह से ओके ब्रदर, सलाम। ये माशाल्लाह देखो, यहाँ पे भी एक पड़ा हुआ है म्यूज़िक के लिए, दैट इज़ फॉर म्यूज़िक। अब ये दिखाएगा कैसे चलता है। ओ वाओ, माशाल्लाह। वाओ, दैट्स अमेजिंग। इंडिया, माशाल्लाह, मेड इन इंडिया। दैट इज, ये भाई अपनी चीज है भाई, ये पाकिस्तान इंडिया में बनी है चीज। तो ये था ट्रेडिशनल अरबी बाजार और यहाँ पे सारी जो है वो ट्रेडिशनल चीज़ें लगी हैं, आपने देखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।